चैलेंज यह है कि क्या इस देश के भीतर कानून का राज है? आप पूछेंगे यह सवाल कैसा है, तो जरा इन तस्वीरों को देखकर अंदाज लगाइए। कोई खौफ नहीं, हर कोई बेखौफ, कानून हाथ में ले लेता है, न्याय अपने तौर पर नहीं बल्कि बदसलूकी और बदनीयती के साथ क्या क्या कुछ कर जाता है, देखिए जरा रिपोर्ट। तो अगर कानून का डर ही खत्म हो जाए तो फिर वही होता है जो महाराष्ट्र और गुजरात में इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दलितों पर अत्याचार या दलितों की पिटाई की यह कोई पहली तस्वीर नहीं है। हर दूसरे दिन देश के किसी न किसी हिस्से में ऐसी घटनाएं होती है और हर तस्वीर को देखते वक्त यही लगता है कि कानून का खौफ किसी को है ही नहीं। कोई डर है ही नहीं कि इस देश के भीतर कानून व्यवस्था काम करती है, वरना क्या वजह है कि पिछले ही महीने राजकोट में एक दलित युवक की पिटाई के बाद एक बार फिर गुजरात के मेहसाणा में ऐसी घटना हो जाती है। मेहसाणा में इस दलित लड़के को सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीटा गया क्योंकि उसने पैरों में जूते पहन रखे थे। वो लड़का गिड़गिड़ाता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन दूसरी जाति के इन लड़कों पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कानून का राज तो है नहीं। तो लात घूंसे ढंडे ये मारते रहे और तीसरा शख्स वीडियो बनाता रहा। यानी इन लोगों को कोई डर ही नहीं कि वीडियो बना रहे हैं, पकड़ में आ जाएंगे, कानून काम करेगा तो जेल में बंद रहना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जबकि पिटने वाला शख्स माफी मांग रहा है और जबरदस्ती उसके जूते उतार दिए गए। ये लड़का बस स्टैंड पे बैठा था और उसने जो पैरों में जूती पहनी थी और उसके साथ जो पहले पूछा की गई थी, जिसमें पूछा गया था कि तुम कौन सी जाति के हो, तुम कहाँ से आए हो, और फिर उन लोगों ने उनको लगा कि तुम कौन सी कौम से हो, फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ था। और गुजरात के ही पड़ोस में महाराष्ट्र की ये तस्वीर कहीं ज्यादा झकझोरने वाली है। जलगांव में इन दलित बच्चों के कपड़े उतार कर पीटा गया, कसूर सिर्फ इतना एक कुएं में नहाने चले गए थे। और 10 जून को इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया गया था, लेकिन उसके बाद भी आरोपी लड़कों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित लड़कों के परिवार वालों का आरोप है अब केस वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ना गुजरात में ना महाराष्ट्र में दलितों को लेकर कानून काम करता है क्या, ये सवाल तो है। उना की घटना को 2 साल होगा, क्या किया गुजरात की सरकार ने? उना की विक्टिम्स को आज भी न्याय नहीं हुआ। राजकोट में कचरा उठाने का ना कहने पर जिस दलित को मार डाला, उस वक्त विजय रूपाणी की सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि 8 लाख रुपए हम देंगे। भाई नहीं, 8 लाख, 8 महीने में न्याय देंगे ये कहो ना। क्योंकि महाराष्ट्र के ऊना में जुलाई 2016 में, याद कीजिए, गोहत्या के आरोप में दलितों की पिटाई हुई थी। सारी स्थितियां सामने आई थी, गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन उन मामलों में आरोपी बनाए गए सभी 34 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और उनमें से कुछ ने दोबारा उन्हीं दलित युवकों को फिर से पीट डाला। मसला सिर्फ ऊना का नहीं, मसला शायद दलित का भी नहीं, मसला तो यह है कानून का राज होगा नहीं तो ऐसी घटनाएं होती चली जाएंगी। क्योंकि 2 दिन पहले ही तो झारखंड के गोड्डा से जो तस्वीर आई, भीड़ ने पीटते पीटते मार डाला क्योंकि मवेशी चुराया गया था। यानी कानून है नहीं, व्यवस्था काम करती नहीं। और दलितों को लेकर बात तो यह है कि 72% मामलों में दलित उत्पीड़न सिर्फ कागजों में रहता है, आरोपी छूट जाते हैं। तो क्या कानून का राज सिर्फ संविधान तक सीमित है या फिर सत्ता के सियासी मिजाज के अनुसार कानून काम करता है, यानी जैसी सत्ता वैसा कानून? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।